इंदौर शहर में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र क्रमांक एक के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला अपने क्षेत्र में निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे। वहीं पूर्व भाजपा महिला पार्षद के बीच में तीखी नोकझोंक हुई थी, जहां पूरा मामला एरोड्रम थाने पहुंचा है। आपको बता दें कि पूरा मामला शुक्रवार के दिन का है, जब क्षेत्र विधायक संजय शुक्ला अपने क्षेत्र में पहुंचे, जहां ड्रेनेज लाइन का कार्य रुका देखा और वहां मौजूद लोगों से जानकारी मांगी तो पता चला कि पूर्व महिला भाजपा पार्षद भी वहां आ पहुंची। जब विधायक ने महिला पार्षद से बात करना चाही तो पूर्व महिला पार्षद के द्वारा विधायक संजय शुक्ला के गलत शब्दों से नवाजा गया। वहीं आज पूरा मामला एरोड्रम थाने पहुंचा, जहां विधायक भी अपने कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों के सहित पहुंचे। विधायक संजय शुक्ला ने बताया कि पूर्व महिला पार्षद और उनके कुछ लोगों के द्वारा अवैध कॉलोनी के निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र में डाली जा रही ड्रेनेज लाइन का कार्य रुका हुआ था। ड्रेनेज लाइन का रुका हुआ कार्य शुरू करवाने को कहा तो भाजपा की पूर्व महिला पार्षद के द्वारा गलत शब्द कहे जाने लगे। विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच नहीं करेगा तो चक्का जाम करेंगे। ये भैया हमारे लोगों पे गर्व करें, दक्षक नहीं, ये भक्षक हो चुके हैं। ये हमारे पैसे से, जनता के पैसे से काम हो रहा है और इंदौर को नंबर वन बनाने में हमारी जनता कहाँ थे? जनता ने पैसा दिया है। आज भी आप जाइए गली गली के अंदर जाके देखिए, ये झूठ बोलते हैं कि हमने सफाई करी, वहाँ की आम जनता सफाई कर रही है, उसके लिए पैसा देती है और हमारे सफाई कर्मचारी लोग वो सफाई करते हैं, उससे इंदौर नंबर वन आ रहा है। बंधु डेनेश के नाम पे इंदौर देखा होगा, 15 दिन पहले 8 दिन पहले पूरा शहर डूब गया, उसमें 2500 करोड़ का घपला हुआ, और ये डेनेज लाइन डली हुई, वो डेनेज लाइन नहीं जोड़ने के कारण हुआ है। ऐसे कई जगह है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है और आम जनता परेशान हो रही है। हमारे जो गरीब परिवार के लोग बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। ऐसी कई कॉलोनियाँ हैं, माँ ओम बिहार कॉलोनी है, पल्लर नगर हो या 60 फीट रोड हो या अशोक नगर हो, इन सबका पानी जा रहा है, वो रोका जा रहा है। इसलिए रोका जा रहा है कि उनका पर्सनल काम है, वो जो डेंगू फैल रहा है इसी कारण से फैल रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रभारी साहब ने यहाँ पर आपको क्या क्या आश्वासन दिया यहाँ पर आप आए? ये तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के यहाँ बैठे हुए और वो जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं। देखिए आज ना उनको पे कार्रवाई, हमारे साथ हमारी महिलाएं भी आई हुई है, उन्हें कार्रवाई करने की बोल रही है, परंतु ऐसा होता है जनता काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घर से हमको निकलने दे रहे हैं। हम जो कर रहे हैं अभी हम एसडीएम के पास जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ बात करेंगे, नहीं छूटता है तो कर फिर हम चक्का जाम करेंगे। कल हम पुतला जलाएंगे, जितनी कार्रवाई करना है वो करें। चक्का जाम कहाँ करेंगे आप? अभी बताएंगे, अभी हम बयान कर रहे हैं, अभी हमारा कार्यकर्ता को आज नहीं छोड़ते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे, सभा करेंगे। ठीक, हम चाहते हैं जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी पे कार्रवाई की जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कांग्रेस पुलिस द्वारा वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई हो रही है। कल के दिन ओम बिहार कॉलोनी के अंदर 3 महीने से लगातार लाइन ड्रेनेज लाइन वहाँ बंद कर रखी थी, इसलिए बंद कर रखी थी कि उसके आगे एक नई कॉलोनी, हमारे पूर्व पार्षद उनके साथ मिलकर वहाँ के लोग कॉलोनी काट रहे थे और उस लाइन को जोड़ने नहीं दे रहे थे। तो 3 महीने से हमारी वहाँ की महिलाएं और वहाँ के लोग परेशान थे, उस लाइन को खुलवाने के लिए हम लोग गए थे, 3 महीने से लगातार पार्षद के पीछे लगे हुए थे, उन्होंने खुलवाई नहीं। परंतु कल हमने जब खुलवाई तो वहाँ आई उन्होंने, वहाँ महिलाओं को भी उन्होंने गाली बकी और हम लोग सबको गाली बक रही थी वहाँ पर कि आप लाइन कैसे खोल सकते हो, परंतु जनता है, जनता का काम करना है, जनता भगवान है हमारे लिए, जनता ने हमको चुन के भेजा है और वो कुछ भी नहीं थी। और हमने खुलवाई लाइन, नगर निगम द्वारा लाइन खुलवाई गई और लाइन नहीं जोड़ी गई। यहाँ सब मिलकर भ्रष्टाचार हो रहा है नगर निगम द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, परंतु कल लाइन खुलवाने तो उसके चक्कर में कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ थे, वहाँ की आम जनता हमारे साथ थी, हमारे महिलाएं भी वहाँ की आई हुई थी हमारे साथ में, जिनके लिए हमने काम करा, आप जाके देख सकते हैं। कल आपने भी चलाया कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व पार्षद होने के बावजूद वो सबको गाली बक रही थी, मुझे नहीं छोड़ रही थी या महिलाओं को नहीं छोड़ रही थी वहाँ के, वो इसलिए कि उनका पर्सनल नुकसान हो रहा था, क्योंकि जनता है, जनता काम होना चाहिए। ड्रेनेज लाइन भले किसी का कोई कॉलोनी हो, आगे जुड़ के आगे काम होगा, परंतु कल उसके व्याप पे कल हमने काम हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी कहने पे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 101 धारा लगाई, उसके लिए आज कांग्रेस थाना घेरने आए थे, परंतु ये कार्रवाई जितनी भी करना है तो हम जैसे नेताओं पर कार्रवाई करें। जो वहाँ 3 घंटे तक हमने खड़ा होकर हमने खुलवाया, हम बोल रहे थे हम खुलवा रहे, ऐसी कई जगह होगी अब ये नहीं खोलेंगे तो हमारी जैसी भी हम ला के खोलेंगे, आम जनता के लिए हमको फांसी चढ़ा दे, वरना तैयार 100 केस लगा दे। जनता हमारी भगवान है, जनता ने हमको चुन के भेजा, भले भारतीय जनता पार्टी हो या पुलिस वाले हो या कोई भी हो, हम उसे डरने वाले नहीं है। एक भी 100 केस लगा दे और ना हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता एक भी डरने वाला नहीं है। मौका आएगा हमारा भी, 2023 में कांग्रेस सरकार बनेगी, फिर इनको बताएंगे कि क्या होता है। हम जनता भले गरीब हो या अमीर हो, हम सबके लिए काम करते हैं। एक कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया कल पुतला दहन के लिए, आज आपने टीआई साहब से बात की। देखिए एक आम जनता का, एक महिला सबको गाली बक रही थी, वहाँ की महिला, वहाँ की पुलिस, वहाँ के लोगों ने मिलकर वहाँ पुतला जलाया, उसका पुतला जलाने के बाद हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर 101 धारा लगा दिए। 101 धारा होती क्यों? गुंडा है या बदमाश है या उस पर कोई केस है? और वो है क्या,
पूर्व पार्षद है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, जो मुख्यमंत्री उतना जलाया कार्रवाई हो जाना चाहिए उसके ऊपर। आज ऐसा हो रहा है, जो एक आम कार्यकर्ता मेरे को उन्नाशन गाली बगी उस पर भी कार्रवाई नहीं करी, वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो ये प्रशासन क्या कर रहा है बैठे बैठे यहाँ पर, इनको खुफिया विभाग क्या कर रहा है, उन सब ने देखा, सब कुछ देखा वहाँ थे, पर तो उसमें कार्रवाई नहीं करी। ये हमारे लोगों पे कार्रवाई करी, दक्षक नहीं, ये भक्षक हो चुके हैं, ये हमारे पैसे से, जनता के पैसे से काम हो रहा है, और इंदौर को नंबर वन बनाने में हमारी जनता का हाथ है, जनता ने पैसा दिया है। आज भी आप जाइए गली गली के अंदर जाके देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता है, विधायक और नेताओं ने सर आज कहा है तो क्या है कांग्रेस के जो विधायक हैं क्षेत्र के, शीश मानी संजय शुक्ला जी, उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कल एक ओम विहार जो कॉलोनी है वहाँ जो रहवासियों का जो पानी को जो लेके जो पानी भर गया था उसको उत्पन्न हुई थी, जिसमें कुछ घास भी हुई थी, उसी के संबंध में उनके उनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें कार्रवाई करने के संबंध में निष्पक्ष जांच का इसमें उल्लेख किया गया है, उनका आवेदन को है उसको लिया गया है, और जो भी इसमें जांच निष्पक्ष जांच किया गया जो भी बता दिया गया। सर, एक कांग्रेस कार्यकर्ता को भी कल गिरफ्तार किया गया पुतला दहन के लिए, क्या उसकी भी मांग कर रहे थे, क्या पूरा मामला? 151 की कार्रवाई एक व्यक्ति के द्वारा की गई है, उसके संबंध में उनके द्वारा चर्चा की गई, उनके द्वारा उनको बता दिया। सर, विधायक जो है वो सर चक्का जाम और पुतला दहन की बात कर रहे हैं, तो क्या है सर इस बारे में, मेरे से ऐसी कोई उनके द्वारा बात? कैनन न्यूज़ के लिए इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।